पर जो भी हो गाइस, आई एम एंजॉयिंग दिस जर्नी, बहुत मजा आ रहा है। तुम लोग गा रहे हैं ना? बहुत ज्यादा प्यास लग रहा था। सो हे गाइस, वेलकम टू द डे 44 ऑफ 150 हार्ट चैलेंज। तो चलो फिर गाइस, अभी टाइम 3 बजने वाला है, तो जल्दी से अपने लाइव स्टडी सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जो भी हो गाइस, ये लाइव स्टडी सेशन हमें बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल रखता है, तो जल्दी से अपने आज के लाइव स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। बस 20 मिनट बचा हुआ है, तो तब तक मैं जल्दी से अपने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अपने लाइव स्टडी सेशन को स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं गाइस। मेरा आईपैड ही ऑफ है गाइस, आई थिंक इसमें चार्ज ही खत्म हो गया होगा, तो जल्दी से इसको चार्ज पे भी लगा लेते हैं। बस 10 मिनट ही बचा हुआ है अपने लाइव स्टडी सेशन को स्टार्ट करने में। सो गाइस, ये रहा मेरा आज की सोसाइटी की क्लासेस की नोट्स, तुम लोग देख सकते हो, और ये रहा मेरे आज की ऑप्शनल का नोट्स जो मैंने अभी फास्ट फास्ट राइटिंग करके बनाया। तो मेरा फास्ट राइटिंग के बाद भी कुछ ऐसा राइटिंग आ जाता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली गाइस, ये पैराग्राफ फॉर्म में है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, एक माइंड मैप रेडी किया अपने ऑप्शनल के लिए। ये साथ में मेरा माइंड मैप बनता चला जा रहा है, तो इसी से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, और साथ ही साथ इससे भी रिवाइज कर रहा हूँ। दोनों चीज़ों से रिवाइज होता है, जब भी टाइम नहीं मिलता तो मैं इससे रिवाइज कर लेता हूँ, जब टाइम मिलता है तो मैं इससे रिवाइज कर लेता हूँ। सो गाइस, अभी मेरे फर्स्ट सेशन में मेरी ऑप्शनल की क्लासेस कंप्लीट हो गए, एसए की क्लासेस कंप्लीट हो गए, और ऑप्शनल की आंसर राइटिंग भी कंप्लीट हो गए, और रिवीजन भी हो चुका है कंप्लीट। सो गाइस, फाइनली अभी हमारे 3 घंटे की पढ़ाई हो चुका है कंप्लीट, एंड अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ गाइस। तो अभी स्टार्ट करेंगे अपने इंडोर वर्कआउट सेशन को, क्योंकि आउटडोर सेशन को मैं अभी शाम के टाइम पे करूँगा, क्योंकि अभी मुझे और कुछ काम है वो कंप्लीट करना है, और आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मुझे सारे टारगेट्स अभी कंप्लीट कर लेना है। सो गाइस, आज की मॉर्निंग वर्कआउट सेशन हम अपने रूम में ही करेंगे तुम लोगों के साथ। यार, तुम में से कुछ लोग कमेंट करते हो सुबह उठ नहीं पाता हूँ वर्कआउट को जाने के लिए, तो किसने कहा बाहर जाने के लिए? यार, सुबह जब भी उठ जाओ तो कमरे में आराम से फर्श पे बैठ जाओ, ठीक है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। एक वर्कआउट स्टार्ट होता है सिर्फ एक पुशअप से, एक पुशअप करना है, सिर्फ एक पुशअप। एक पुशअप कर लिया, दो पुशअप कर लिया, तीन, चार। अब ये एक पुशअप चार पुशअप में किस तरह बदल जाता है पता नहीं चलता, ठीक है। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, ऑल यू नीड टू स्टार्ट गाइस, तो स्टार्ट करके देखो, कुछ भी नहीं करना है। अगर तुम्हें ज़्यादा मसल पावर यूज़ करना नहीं चाहते हो, इतना भी ज़्यादा तुम्हें लगता है कि मैं थक जाऊँगा, तो जस्ट डू सम स्ट्रेचिंग गाइस। तुम लोगों को कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताऊँगा, मे भी तुम लोगों को थोड़ा बोरिंग लगे। हाथ को इस तरह रोटेट करना है, इसको बोलते हैं रिस्ट रोटेशन, ठीक है। फिंगर को क्लोज करना है, ओपन करना है। इस मसल को स्ट्रेच कर सकते हो, इस मसल को स्ट्रेच करो, इस हाथ को ऊपर ले लो ऐसे, और इसको ऐसे स्ट्रेच करो, हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, सिंगल आर्म रोटेशन, डबल आर्म रोटेशन, एंटी क्लॉक वाइज नेक रोटेशन, टच योर ईयर विथ शोल्डर, 1 2 3, अप, एल्बो रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, 2 3 4। इससे भी तुम्हारी बॉडी वार्म अप होगी और तुम्हारा बॉडी काफी एक्टिव हो जाएगा। और आप और एक चीज कर सकते हो, यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हो, बॉडी को ज्यादा पुश नहीं करना है, जितना हो सके हल्का रखो, जितना जा रहा है उतने पे रुक जाओ, कोई भी फोर्स नहीं देना है, ठीक है। जितना तुम फोर्स दोगे, दीवार पे जाना है ऐसे, सर नीचे ले जाओ। सो देयर इज लॉट ऑफ वे टू डू एक्सरसाइजेस गाइस। सो ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, घर में बैठो थोड़ा एक्सरसाइजेस करो, यू नो, ये जो हमारे रूम है ना, इट शुड बी लाइक ए प्ले फील्ड यार, कभी यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ मैं इसमें, पता है। अपने वर्कआउट सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस, जल्दी से अपना डाइट खाता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे और अपने नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया है कि यार, जब भी फ्री टाइम मिले ना, तो सीधा नैप लेना स्टार्ट कर देना, मज़े से सो जाना है। तो अभी मैं आधा घंटे का नैप लूँगा, फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करके हमारे नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइस। एलेक्सा, चुप हो जाओ, स्टॉप। यार, ये नैप कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया यार, सिर्फ 7 मिनट बचा हुआ है, ब्रेकफास्ट ही नहीं किया हुआ है मैंने। तो चलो फिर हम नेक्स्ट ब्रेक में ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन अभी हम एक सेब खा सकते हैं।
अच्छा अभी 3 मिनट बचा हुआ है तो चाय गर्म कर लेते हैं और चाय और रोटी खा लेते हैं यार। 3 मिनट में क्या खाना है, चाय और रोटी नहीं खा सकते। ये हो गया हमारी चाय, 1 मिनट भी काफ़ी होता है खाने के लिए। तो चलिए फिर गाइस जल्दी से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो गाइस आज मैंने चेक किया तो हमारे सी सेट का कोई क्लासेस था नहीं, तो मैंने करंट अफेयर, मैंने अपने पॉलिटिकल रीजन और माइंड मैप हो चुका है कंप्लीट और क्लासेस की रीडिंग भी कर लिया कंप्लीट। और तुम लोग देख सकते हो गाइस पॉलिटिकल का मैंने कुछ इस तरह माइंड मैप रेडी कर लिया। तो पॉलिटिकल अभी मेरा रिविजन चल रहा है और इसी हफ्ते मेरा एग्जाम भी है पॉलिटिकल का। सो गाइस इस 15 तारीख को मेरे टेस्ट सीरीज में पॉलिटिकल का टेस्ट है और मेंस की टेस्ट सीरीज में गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी और सोशल जस्टिस का टेस्ट है। सो फाइनली गाइस आज के लाइव स्टडी सेशन भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, दैट मींस वी आर अगेन कंसिस्टेंट यार। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यार व्लॉग आगे पीछे अपलोड होता है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट जो भी होगा इस एग्जाम्स आर नियर सो तुम लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ करो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि व्लॉग को सही टाइम पे अपलोड कर पाऊँ। सो थैंक यू फॉर थैंक यू गाइज इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए यार। सो अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो अभी मुझे कल का व्लॉग एडिट करके अपलोड करना है तो पहले वो करूँगा, ठीक है। अगर आज नहीं जा पाया तो मैं डॉक्टर के पास कल जाऊँगा, ठीक है। इतना भी कोई बात नहीं है कि वो एक और दिन भी वेट कर लेगा चलेगा, लेकिन पहले अपने ड्यूटी को कंप्लीट करेंगे। अभी कोई दर्द नहीं है, ठीक है, तो हम कल भी जा सकते हैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए। देखते हैं अगर एडिटिंग जल्दी कंप्लीट होगा फिर पढ़ाई जल्दी कंप्लीट होगा तो आज ही जाएंगे। तो चलो फिर गाइस अभी एडिटिंग की सेशन को कंप्लीट करते हैं। गाइस अभी अपने 10 पेजेस की बुक रीडिंग सेशन करंट अफेयर और बाकी की बचे हुए सारे चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते गाइस। सो गाइज अभी शाम का टाइम पे आउटडोर वॉकआउट पे जाने का मन तो नहीं कर रहा, बट जो भी होगा इस जाना तो पड़ेगा समहाउ, तो चलते गाइज अपने आउटडोर वॉकआउट सेशन के लिए। ये मेरी स्पार्क का 6th राउंड है, यू नो डेली रनिंग इज लाइक अ स्मूथ केक वॉक फॉर मी। 10 चक्कर लगा लिए इस पार्क के, बहुत ज़्यादा थक गया, तो जल्दी से वार्म अप करते स्ट्रेच करते चलते हैं। यू नो व्हाट गाइस मुश्किल है ना ये 150 हार्ट चैलेंज, बहुत ज़्यादा। हाँ यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यू नो व्हाट क्यों मुश्किल है पता है, हमारी कोई आदत ही नहीं है यार, कभी भी कुछ भी करने लग जाता है, ठीक है, कुछ भी करने लग जाता है। बट जो भी गाइस आई एम एंजॉयिंग दिस जर्नी, बहुत मज़ा आ रहा है, तुम लोगों को आ रहा है ना। सो फाइनली कुछ इस तरह हमारा वाटर इंटेक भी कंप्लीट हो जाता है गाइस, और ये रहा हमारा आज का प्रोग्रेस पिक्चर। तो चलिए फिर गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप तुम लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये दोनों चीज़ें मेरे लिए एक फीडबैक की तरह काम करता है। तो चलिए फिर गाइस कल एक नए व्लॉग मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।